आज मैं हूँ दिल्ली के गुप्ता जी के छोले भटूरे दिखाने, और यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे ना छोले भटूरे खाने के लिए लगता है जी पूरा मेला। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। तो भैया ऐसा क्या जादू कर रखा है यहाँ मेला लगा रखा है आपने पूरा? कुछ नहीं जी, टेस्ट है बस अपना अपना, सब लोगों को अच्छा लगता है तो आते हैं। अच्छा जी, और क्या क्या होता है आपके पास? छोले भटूरे होते हैं मेन, छोले भटूरे आइटम है। ठीक है, स्टार जो है हमारा छोले भटूरे। अच्छा, स्टार छोले भटूरे। और इधर थोड़ा सा दिखाऊंगा ना, ये देखिए जरा, ये जो भीड़ लगी हुई है ना, ये सारे छोले भटूरे, मतलब ज्यादातर लोग छोले भटूरे पसंद करते हैं। बाकी चीजें और भी चीजें हैं, बाकी अन्य छोले भटूरे हैं, राजमा चावल, कड़ी चावल, गुलाब जामुन, लस्सी, हलवा, गुलाब, मतलब सारा इंतजाम कर रखा है। बहुत बढ़िया। और कितने साल हो गए इस दुकान को? ये 53 इयर्स प्लस हो गए, 53 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, ये शुरू से मतलब लोग गुप्ता जी के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। और टाइमिंग क्या है इस आउटलेट की? सुबह 8 से शाम को 5:30 बजे तक, और पूरा मतलब शाम को 5:30 बजे तक छोले भटूरे मिलते हैं। मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो अब हम भी अपने लिए लगवाते हैं, थोड़ा सा पहले भटूरे दिखाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर टेस्ट करके बताएंगे कि टेस्ट कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लगाए जा रहे हैं जी भटूरे एक के बाद एक, ये देखेंगे यहाँ पे भटूरे लगाए जा रहे हैं। आगे देखेंगे छोले की प्लेटें लग रही हैं। अभी थोड़ा सा अंदर चल के आपको छोले भी दिखाएंगे। और ये देखे जरा यहाँ पे ना, ये सामने जो देख रहे हैं एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, और थोड़ा सा भी लोगों से भी जानेंगे भाई ऐसा क्या खास है, ऐसे क्यों इतनी भीड़ लगी रहती है भाई गुप्ता जी के छोले भटूरे खाने के लिए। और भैया आप कब से बना रहे हो? काफ़ी दिन हो गए, मतलब काफ़ी सालों से बना रहे हो? 45 साल हो गए। अच्छा, 45-46 साल हो चुके हैं। अरे भाई साहब, ये देखे जरा, ये एक के बाद आप देखेंगे ना भाई, हाथ नहीं रुक रहा है। उधर प्लेटें लगे जा रही हैं, यहाँ पे भटूरे लगे जा रहे हैं, यहाँ पे भटूरे निकले जा रहे हैं, और आगे देखे भाई प्लेटें भरी जा रही हैं। जरा यहाँ पे आ गए जी छोले, और ये देखे जरा नज़र मारे, और एकदम इनका जो स्टाइल देखेंगे प्लेट लगाने का, भाई स्टील के बर्तन है, स्टील की कटोरी होगी, साथ में होगी स्टील के ऊपर से अचार डाल दिया साथ में। ये आ गए जी प्याज, और ये आ गए भटूरे। तो ये लग गई जी प्लेट, तो लीजिए फाइनली अब टेस्टिंग की बारी आ चुकी है, हमारे सामने लग चुकी है छोले भटूरे की प्लेट। और अब थोड़ा सा ना आपको लुक्स दिखाते, थोड़ा सा क्लोज आ जाओ जरा, सबसे पहले आप इनके छोले चेक करें। ये देखें जरा, ये आ गए जी छोले, साथ में आ गया जी अचार, और साथ में प्याज दिया, मतलब प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। अगर प्राइस की बात करूँ, प्राइस है इसका 50 रुपीज़, और प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी। और एक चीज़ जो खास लगी है ना, आज करते हैं ना कि आप देखेंगे आजकल हम जहाँ पे भी छोले भटूरे खाने जाते हैं वहाँ पे ना थोड़ा सा होता है डिस्पोजेबल प्लेट्स होते हैं, डिस्पोजेबल डोने होते हैं, उससे बेटर यहाँ पे आप देखेंगे स्टील के बर्तनों में खिला रहे हैं। और एक जैसे पुराने समय में खाया करते थे एक वैसा ही, एक यहाँ पे प्रेजेंटेशन वैसी है। अब टेस्ट देखेंगे कैसा होगा। ये देखे जरा इसके अंदर, देखिए कोई स्टफिंग है नहीं, नॉर्मल प्लेन है भटूरे। अब इसके बाइट लेते हैं, पहले आगे जी यहाँ पे छोले, ओहो हो, ये छोले आ गए, और ऊपर से लगाते थोड़े से प्याज। अब इसके बाइट लेते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट, फ्लेवर है काफ़ी लाजवाब। जो थोड़े से अगर छोले की बात करो तो काफ़ी स्पाइसी हैं, काफ़ी मतलब कहूँगा चटपटे हैं। अगर आप थोड़े मसालेदार खाना पसंद करते हैं तो ये हाईली रिकमेंडेड प्लेस है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, इस समय मैं खड़ा हूँ दिल्ली के ITO में, और सामने देखेंगे ना बस स्टॉप है, थोड़ा सा अभी इधर देखेंगे ITO का बस स्टैंड है, बस स्टैंड के ना बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको ये काउंटर दिख जाएगा, और ये भीड़ लगी हुई दिख जाएगी। इधर आप आएंगे, इस छोले भटूरे, राजमा चावल, छोले चावल, इनके पास सब कुछ होता है, तो इस सब चीज़ का आप आनंद उठा सकते हैं। तो फिर भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये जो है ना भाई हाथ नहीं रुक रहा, भीड़ देखे ज़रा, अभी तो आप पहले देख रहे थे, अभी भी भीड़ देखे, और खाने वालों का ना यहाँ पे लगता है मेला। एक बार यहाँ पे भैया, भैया आप कितने टाइम से आ रहे हैं? 15-20 साल से आ रहे हो, मतलब जादू कर दिया गुप्ता जी ने। अरे बहुत बढ़िया, दिल्ली वालों को टेस्ट ही है, यहाँ टेस्ट होगा वहीं पब्लिक होगी। बिल्कुल जी। तो भाई एकदम चटपटे छोले, लाजवाब टेस्ट। आप भी आओगे ITO, गुप्ता जी के छोले भटूरे खाए बिना मत जाना, यहाँ पे आके आप भी खाना, और हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं किसी नई जगह।